अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद शहजाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदेद कहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक टूल वाली ब्लॉगर वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक टूल वाली वेबसाइट का विज़िट करवाता हूँ कि वो किस तरह बनाई है मैंने। तो मैं फिर उसका आपको टम्पलेट दूँगा, तो फिर आपको मैं सारा तरीका कर बताऊँगा कि आपने किस तरह बनानी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक ब्लॉगर यानी टूल्स वाली एक ब्लॉगर वेबसाइट बनाई है। जिस तरह ये है कीवर्ड प्लानर, हम यहाँ पर क्लिक करके जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पर भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड डेंसिटी और आर्टिकल रीराइट, ठीक है। इस तरह प्राइवेसी पेज जनरेटर, टर्म्स कंडीशन जनरेटर, अबाउट अस जनरेटर, डिस्क्लेमर जनरेटर, यानी ये पेजेस हम इन टूल्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं प्राइवेसी पेज जो है वो जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। ये क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम और सिंपल हमने वेबसाइट का यूआरएल देना है, वेबसाइट का नाम देना है और अपनी ईमेल आईडी देनी है और जनरेट लिंक पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक यानी वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ, इसी वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, ठीक है, और ये प्राइवेसी जनरेटर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैं ये कॉपी कर देता हूँ और फिर यहाँ पर वेबसाइट का नाम दे देता हूँ टूल, ठीक है, और यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ कोई भी, ठीक है। और यहाँ पर मैं जनरेट लिंक पर क्लिक कर दूँ, ये देखिए इसने पेज पूरा जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह ये सारे टूल्स हैं, इस तरह मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इंडेक्स पेज चेक कर, यानी यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यानी आप यूआरएल यहाँ पेस्ट करेंगे और आप देख सकेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है उसके जो कितने पेजेस गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स हैं। तो लिंक पेस्ट करने के बाद मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पर कीवर्ड भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। योर रैंक, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कीवर्ड डाल के आप देख सकते हैं, यानी मेरा पेज नथिंग शो गूगल जेड, ठीक है, मेरा कोई पेज इंडेक्स नहीं है। इस तरह आप कीवर्ड भी यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। इस तरह ये बहुत ही कमाल का जो है टूल टम्पलेट है। इससे इस पर मेरे ख्याल में 90 से ज़ायद जो है टूल्स हैं। उसके अलावा ये नीचे आप आर्टिकल लिख के जो है रैंक कर सकते हैं और मेरा अंदाज़ा है अगर आप इस पे ना 3 माह मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला 3 माह मेहनत करें तो आप $100 एक दिन का कमाएंगे, क्योंकि इस पे 90 से ज़्यादा टूल्स हैं और नीचे आर्टिकल भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे गूगल ड्राइव डायरेक्ट लिंक, लोगो मेकर, वेब इमेज कन्वर्टर, यानी कि आप तस्वीरें भी यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, थंबनेल डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ट्विटर वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट्स हैं, यानी फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आई फ्रेम मेकर है, यानी कोई भी आप वीडियो पेस्ट करें और उसका आई फ्रेम जो है HTML कोड उठा लें, ठीक है, वो आप कहीं यूज़ कर लें अगर आपको ज़रूरत हो। तो करेंसी कन्वर्टर है, सिंबल, करेंसी नेम्स, तो इस तरह ये 90 से ज़्यादा टूल हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इमेज रीसाइज है, यानी तस्वीर ज़्यादा है बड़ी है उसे छोटा करना है, छोटी है तो उसे बड़ा करना है, तो ये कन्वर्टर, ठीक है। इंस्टाग्राम फॉन्ट्स, इंटरनेट स्पीड भी इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये इस पे बहुत ही कमाल के जो है 90 से ज़्यादा टूल्स हैं। तो ये देखिए इस पर जो है स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये इंटरनेट की स्पीड बताएगा कि इतनी स्पीड है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ इंटरनेट की कितनी स्पीड है, ये इतने कमाल के टूल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इस पर 2-3 माह मेहनत करें तो आप $100 एक दिन। तो दोस्तों आपने सबसे पहले यहाँ जो है ब्लॉगर पे क्लिक करना है और यहाँ न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देना है और यहाँ अपने ब्लॉग का टाइटल दे देना है। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ प्लस टूल, बल्कि मैं इसका नाम लिख देता हूँ SEO टूल, SEO टूल, नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं SEO टूल फ्री,
या मैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है ये ब्लॉकर पानी का, अब मैं इसे जो है आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक पानी का। अब हमने इस पे जो है टेम्पलेट वो इंपोर्ट करना है, तो हम आएंगे थीम पे और यहाँ हम रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे। मैं ये आपको दूंगा, आपने जो है इसे कर लेना है। तो टेम्पलेट फाइल में आपको ये टेम्पलेट दे दूंगा, तो आपने इसे जो है कर लेना है। रिस्टोर हो रहा है थीम, ये देख रिस्टोर हो गया। अब मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे जो हैं वो टूल्स यहाँ पर अप्लाई हो गए, 90 से ज़्यादा टूल्स हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे कोई पोस्ट शोर नहीं हो रही। अब मैं आपको इसका तरीका कार बताता हूँ। अगर आप ये देखिए SEO टूल्स फ्री ब्लॉगस्पॉट.com है, अगर मैं यहाँ पर YouTube वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कोई और वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, तो इसका सलूशन ये है कि आप दोबारा इधर आएंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपने स्क्रॉल ऑन करना, नीचे आ जाना है और यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए इंपोर्ट कंटेंट, यहाँ पर क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। और ये जो टूल्स फाइल है ये मैं आपको दूंगा, टूल्स फाइल आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसे इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इसे दोबारा इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है टूल्स फाइल को। ये रिपोर्ट्स का मसला बना है। ठीक है, तो ये जो है हमारे तमाम आर्टिकल्स, तमाम टूल्स ये इंपोर्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको इसका सारा तरीका कर बताता हूँ कि इसे कस्टमाइज़ किस तरह करना है। ठीक है, तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए नीचे ये पोस्ट में शो होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए पोस्ट शो होना शुरू हो गई हैं, ये देखिए नीचे भी पोस्टें आ गई हैं। आगे आपने अगर इन पोस्टों को जो है यूज़ करना है अपनी वेबसाइट पर, तो आप जो है इन्हें यूज़ कर लीजिएगा अपना तरीका कर यूज़ करके, वरना इन अगर आप अपनी पोस्ट लगाना चाहें तो अपनी भी लगा सकते हैं। बाकी आ जाएं आप लेआउट पे। ठीक है, लेआउट पे आने के बाद यहाँ से आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं।